आज के समय में दोस्तों हर एक इंसान क्यों खुश नहीं रह पाता है? वो खुश रहने के लिए सब कुछ करना चाहता है, वह काम करता है, वह पैसा कमाता है, वह हिल स्टेशन पे घूमने जाता है, वह मसूरी, नैनीताल, शिमला, हिमाचल, स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका, सिंगापुर सब जगह घूमने जाता है, उसके बाद भी दोस्तों वो खुश क्यों नहीं रह पाता है? नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म अरविंद मेरा साथी में। आज दोस्तों हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि क्यों कोई भी इंसान खुश नहीं रह पाता है, उसको क्यों इतना पैसा खर्च करना पड़ता है, क्यों इतना उसको करना पड़ता है और पैसा खर्च करने के बावजूद भी तब भी खुश नहीं रह पाता है। वह घूमने जा रहा है, वह स्वीट्स खा रहा है, वह पिज्ज़ा खा रहा है, वह बर्गर खा रहा है, मूवी देखने जा रहा है, अपना मूड ठीक करने के लिए उसको क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है, लाखों हजारों करोड़ रुपए तक दोस्तों खर्च करना पड़ रहा है सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए वो क्या क्या करना पड़ रहा है, लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी हर एक बंदा खुश क्यों नहीं रह पा रहा है। इस वीडियो के साथ में दोस्तों आपको आखिर तक बने रहना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि कैसे हम अपने जीवन में कुछ भी पैसा ना खर्च किए बगैर नॉर्मल लाइफ में या कैसी भी अपनी लाइफ में, बेकार से बेकार लाइफ में या अच्छी से अच्छी लाइफ में या फिर बहुत बेहतर लाइफ में भी, क्योंकि बहुत बेहतर होने के बावजूद भी आप ये उम्मीद ना करें कि आप खुश रह पाएंगे, नॉर्मल लाइफ में भी आप ये उम्मीद ना करें कि हम खुश रह पाएंगे, और बहुत नीचे के आप हैं, बहुत नीचे आप तबका के आप आदमी हैं तो भी आप खुश ना करें, मतलब कोशिश ना करें कि आप खुश रह पाएंगे, क्योंकि जो सबसे नीचे का इंसान है उसको हमेशा आगे बढ़ने की चक्कर में वह खुश नहीं रह पाता है। जो नॉर्मल बंदा होता है वो कभी नीचे नहीं गिर जाए इसलिए ना खुश रहता है, वो कभी ऊपर ना चला जाए इसलिए ना खुश होता है, और जो सबसे ऊपर अगर चला भी गया है, सबसे ऊपर कोई अच्छे टॉपिक पे है, कोई अच्छी ऐसे जगह पर बैठा हुआ है जहाँ पे अच्छा लाखों करोड़ रुपए महीने का कमा रहा है, तो भी वह खुश नहीं रह पाता है, क्योंकि वह सोचता है कि अगर मैं यहाँ से एक बार नीचे गिरूंगा तो वापस खड़ा नहीं हो पाऊंगा शायद, क्योंकि जो इंसान टॉप पर बैठ गया है उसे भी तो नीचे गिरने का डर होगा ना, और जो नॉर्मल है उसे ऊपर जाने का भी डर होगा कि पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, और नीचे गिरने का भी डर होगा कि नीचे कभी ना गिर जाऊं, और जो नीचे ऑलरेडी बंदा है ही उसके मन में तो ये रहता ही रहता है कि मुझे ऊपर जाना है, इसलिए वो हमेशा हाथ पैर मार रहा होता है। तो क्यों हर एक बंदा हमेशा खुश नहीं रह पाता है, उसका सिंपल सा तरीका मैं आज आपको बता देता हूं दोस्तों। नंबर एक तरीका है कि आप कंपैरिजन करना बंद कर दो। अगर आपने कंपैरिजन करना बंद किया है अपने से छोटे लोगों से, अपने छोटे लोगों को देखकर कंपैरिजन मत करो, हो देखो मैं इनसे ऊपर हूं, ये मुझसे कितने नीचे हैं, मैं इनसे ऊपर हूं, जब आप ऐसा कंपैरिजन करोगे कि ये मेरे से नीचे हैं और मैं इनसे ऊपर हूं, तो आपको हमेशा डर सताएगा कि मैं कभी इस लेवल पर ना चला जाऊं, मैं कभी इस लेवल पर ना चला जाऊं, मैं इनसे नीचे ना चला जाऊं या इनके लेवल पर आकर खड़ा ना हो जाऊं। अगर आप नीचे का कंपैरिजन करेंगे तो आप हमेशा खुश नहीं रह पाएंगे, और अगर आप कंपैरिजन करेंगे अपने से बड़े लोगों को जो आपसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, आपसे ज़्यादा सुंदर हैं, ज़्यादा आपसे हैंडसम हैं, या आपसे किसी भी क्षेत्र में आगे हैं, नौकरी में, काम में, धंधे में, पानी में, किसी भी चीज़ में आपसे आगे हैं, तो भी आपके मन में चिंता रहेगी, तो भी आपके मन में डर रहेगा कि यार मैं यहाँ पर कैसे पहुँचूँगा, मैं यहाँ पर कैसे पहुँच सकता हूँ, मैं यहाँ पर पहुँचूंगा भी नहीं पहुँचूंगा, पहुँच पाना मुश्किल है भी या नहीं, तो वो दोस्तों आपको चिंता देगा, वो आपका हमेशा मूड ऑफ करेगा। ये नंबर एक चीज़, कंपैरिजन, अपने से नीचे लोगों से कंपैरिजन करने में भी आपको चिंता रहेगी, अपने से ऊपर लोगों में भी कंपैरिजन करने में चिंता रहेगी। आप अगर किससे कंपैरिजन करते हैं, आप सोचते हैं कि यार मैं इससे आगे हूँ, तो दोस्तों आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, और जब आप एक्साइटेड हो जाएंगे, एक्साइटेड होने के बाद में कोई भी डिसीजन आप सही से नहीं ले पाएंगे, और अगर आप सोचेंगे कि ये मुझसे बेहतर है तो आप डिप्रेस फील हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। बस आपको सोचना है कि मैं यूनिक हूँ, ना मैं नीचे हूँ ना मैं ऊपर हूँ, मैं यूनिक हूँ, आई एम अ यूनिक पर्सन अराउंड दिस वर्ल्ड, मैं इस पूरी दुनिया में मैं सबसे यूनिक पर्सन हूँ, मेरे जैसा दुनिया दूसरे में कोई है ही नहीं, भगवान ने मेरे जैसा इंसान ना कभी बनाया था, ना बनाया है, ना ही बनाएगा, तो कंपैरिजन खत्म हो जाता है। और जब आप यूनिक हो जाते हो तो तब आप वो करते हो जो किसी ने भी नहीं किया है, आप वो सोचते हो जो किसी ने भी नहीं किया है। तो नंबर एक, कंपैरिजन करना आज से किसी के साथ में भी बंद कर दो, किसी भी लाइन में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कैटेगरी में, किसी भी टाइम पर। नंबर दो जो है दोस्तों वो है
एक्सपेक्टेशंस भी दोस्तों उम्मीद, एक्सपेक्टेशंस भी दोस्तों कंपैरिजन से ही निकलता है, क्योंकि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो फिर हमारी एक्सपेक्टेशंस बनती हैं, हमारी उम्मीद बनती है। आज आप जो भी काम करते हैं, आज आप जैसा भी काम करते हैं, बस आपको अपना, अपने दिल से, अपने आप से पूछ के यह देना है कि भाई मैंने 100% दिया है। अगर मैंने 100% दिया है और 100% देने के बाद में रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, रिजल्ट्स चाहे कुछ भी हो, मुझे मंजूर है। क्योंकि जब हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं, जब हम उम्मीद करते हैं, जब हम रिजल्ट्स के बारे में सोचते हैं, क्योंकि रिजल्ट्स भी एक्सपेक्टेशंस ही हैं, जब रिजल्ट सोच रहे हैं तो आप एक्सपेक्टेशन ही कर रहे हैं कि मेरा रिजल्ट क्या होगा, मैं जीतूंगा हारूंगा क्या होगा, तो उस चक्कर से क्या होता है, आप प्रेजेंट में नहीं रहते हैं, आप गेम में नहीं रहते हैं। अगर आपको जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस भी गेम की आप तैयारी कर रहे हो, जिसमें भी आप जीतना चाहते हो, उसके अगर आप सिर्फ रिजल्ट्स के बारे में सोचते रहोगे कि रिजल्ट्स क्या होगा, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उम्मीद है, क्या रिजल्ट्स होगा, तो आप गेम में नहीं रहोगे। और जब आप गेम में नहीं रहोगे तो रिजल्ट्स जिसके बारे में आपको चिंता है वो है कभी आपके फेवर में आ ही नहीं पाएगा। कितनी सिंपल सी बात है कि अगर आपको रिजल्ट्स अपने फेवर में चाहिए तो रिजल्ट्स के बारे में सोचना नहीं है। आपको रिजल्ट्स अपने फेवर में चाहिए, आप जैसा चाहते हैं वैसा रिजल्ट चाहिए। आप क्या चाहते हैं, जीतना ही तो चाहते हैं, तो जीतने के लिए जीतने के बारे में सोचना बंद करना होगा, बस गेम पर ध्यान लगाना होगा। इस चीज की भी आप तैयारी कर रहे हैं उस पर आपको ध्यान लगाना होगा, उस पर आपको पूरा अपना दिमाग, अपना पूरा दिल और दिमाग और बॉडी लगाना होगा। और जब वो काम आप कर लें, बस आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए अपने आप से कि भाई मैंने तो अपना 100% दिया है, मैंने जी जान ताकत पूरा अपना तन मन धन पूरा बिल्कुल तबीयत खुश करके मैंने अपना लगा दिया है। अब जो होगा प्रभु वो तेरे हाथ में है, अब जो होगा रिजल्ट्स वो तेरे हाथ में है। तो दोस्तों अगर एक्सपेक्टेशंस और अगर कंपैरिजन आपने लाइफ में नहीं करते हैं तो सच में आपको दुनिया में कोई भी सिचुएशंस, कोई भी बात, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंडीशंस, कोई भी इंसान, कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति नाखुश कभी भी नहीं कर सकता। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो काफ़ी आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।